तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में रॉयल एनफील्ड हिमालयन स्क्रैम 450 वाला जो मॉडल है ना, तो उसको अभी दिखा गया है रास्ते को चलते हुए टेस्टिंग के दौरान। वैसे तो भाई साइड में ही खड़ा हुआ है रास्ते के, तो जो भी है, लेकिन है ये जो मॉडल है ना, तो इसके बारे में आगे हम लोग बात करने वाले हैं। वैसे तो ये जो मॉडल है ना, तो ये अपने आप में ही काफी ज्यादा अमेजिंग है। बाकी वीडियो को आगे पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार अंकन ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि देख ही सकते होंगे, अभी फिर से एक बार देखने को मिल चुका है रॉयल एनफील्ड के ही स्क्रैम 450 वाला जो मॉडल है, तो उसको। और हाँ, ये जो रॉयल एनफील्ड का ही हिमालयन स्क्रैम 450 वाला मॉडल है ना, तो इसका पहले बात तो भाई लुक्स आप लोग देख ही सकते होंगे। वैसे भाई देखने में तो ये स्क्रैमलर टाइप का ही बाइक है, लेकिन हाँ मॉडर्न टाइप का जो कुछ टच है ना, तो वो भी दिया गया है इसी बाइक के ही अंदर डिजाइनिंग में। तो जो भी है, लेकिन ये जो बाइक है ना, तो इसके अंदर आपको जो हाईलाइटेड वाला एक पार्ट देखने को मिलने वाला है, तो वो तो भाई पहले बात तो ये लुक्स में है ही। और इसके सच ये भी है कि ये जो बाइक है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है जो इंजन, तो वो एक 450 सीसी वाला सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन है, जो कि मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करने वाला है ना, तो वो है 40 bhp। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो वो है 40 nm। बाकी 6 स्पीड का जो गियरबॉक्स है, तो वो कुछ देखने को मिलेगा इस वाले मॉडल के साथ में। और इसके अलावा तो ये भी कुछ सीन है कि ये जो रॉयल एनफील्ड हिमालयन स्क्रैम 450 वाला मॉडल है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है, जैसे कि देख ही सकते होंगे, जो डिस्क ब्रेक, तो वो। और इसके अलावा जो डुअल चैनल ABS है, तो वो। और हाँ, ये भी कुछ सीन है कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन स्क्रैम 450 वाले मॉडल में जो लाइट्स का सेटअप होगा ना, तो वो भी बोला जा रहा है कि LED लाइट्स के अंदर अंदर होगा, जो कि भाई ट्रू है एक तरीके से। और इसके अलावा ये भी है कि भाई ये जो रॉयल एनफील्ड हिमालयन स्क्रैम 450 वाला मॉडल है, तो इसके भी अंदर आपको एक पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, न्यू स्टाइल का कलरफुल वाला, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ये जो ब्लूटूथ नेविगेशन से लेके ये जो गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर, और इसके ही साथ साथ भाई ये जो फोन कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट वगैरह जो भी है, तो ये भी। और हाँ, ये भी कुछ सीन है कि सामने देख ही सकते होंगे रॉयल एनफील्ड हिमालयन स्क्रैम 450 वाले मॉडल के अंदर देखने को मिल रहा है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और पीछे देखने को मिलेगा मोनोशॉक एब्जॉर्बर। और है कि USB चार्जिंग पोर्ट जो है, तो वो भी अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दिए जाने वाले हैं रॉयल एनफील्ड कंपनी की तरफ से। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारा कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।